Good afternoon, students. Happy New Year. Now, we are going to start the chapter Poverty of Indian Economic Development. And we'll discuss few more chapters of Indian Economic Development. And if there will be any types of problems, any doubts that you will discuss. So once again, I am going to cover the few chapters of Indian Economic Development as well as of Macroeconomics we'll discuss. So the important chapter, that is Poverty, is what we all know. The meaning of poverty is that we know. We see the poverty in our society, in our country, and in the world. So what is meaning of poverty? How many types of poverty are there? That all these we are going to discuss one by one. Now, once Adam Smith said that no society can surely be flourishing and happy of which the far greater part of the members are poor and miserable. Yeah, this is true, that if in a society there is poor and people living in miserable condition, that is greater part of the society, if greater part of the society is living in poor condition, in miserable conditions, then the rest of the people should not expect happiness. Means rest of the people will not be flourishing और बी हैप्पी, ना तो वो आपको खुश रह पाएगा और ना ही आगे बढ़ पाएगा. यदि हमारे सोसाइटी में गरीब है, मिजरेबल कंडीशंस में आदमी है और आप सोच रहे हैं कि नहीं आप जो है बहुत खुशी से रहिएगा, आप चैन से रहिएगा, ऐसा नहीं है. और ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे कंट्री में भी है. आप देखते होंगे जो बहुत ही जो ऐसा रीजन जो गरीबी को झेल रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है और ज़्यादा पॉपुलेशन जो आपको गरीब है, मिजरेबल कंडीशंस में है, वहाँ पे आपको क्राइम भी ज़्यादा रहता है. वहाँ पे जो क्राइम्स होता है वो भी ज़्यादा होता है और चोरी, डकैती, मर्डर ये सब होता है. और जो प्रॉस्पेरस आदमी होता है, जिसके पास धन संपत्ति काफ़ी जिसके पास में रहता है, वो ज़्यादा सफ़र करता है इस. तो ऐसा एडम स्मिथ जो बोला था वो सही बोला था. आपको जब तक जो है इक्विटेबिलिटी नहीं आएगा सोसाइटी में, हर कोई जो है आपको कम से कम भोजन को प्राप्त करे, कम से कम उसके पास घर हो, जो बेसिक जो नीड्स है वो कम से कम सबको मिलना चाहिए, तभी जाके सब जो है खुश रह पाएगा. नो, बिफोर डिफाइनिंग पॉवर्टी लेट अस विजिट टू द पुअर्स. हम लोग पॉवर्टी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलिए विजिट करते हैं पॉवर्टी को, देखते हैं कि पॉवर्टी किसको बोला जाता है. कुछ पिक्चर्स के द्वारा हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, कुछ पिक्चर्स है उसको देखिए. ये हैंड्स है और वहाँ पे आपको कुछ जो है दो सिक्के आपको नज़र आ रहे होंगे और हैंड्स जो है आपको पूरा ये उसमें जो है पूरा डस्ट लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है. इससे ये पता चलता है कि वो मेहनत काफ़ी किया है, लेकिन मेहनत के बदले में उसको उतना पैसा जो है नहीं मिल पाता है. यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पॉवर्टी का मेन रीज़न है. आदमी जो है इंतज़ार कर रहा है जॉब के लिए, वर्क करने के लिए, लेकिन वर्क उसके पास में नहीं मिल रहा है, वर्क उसके पास में नहीं है. तो ये आपको पॉवर्टी को दिखाता है. यहाँ पर देखिए खाने के लिए जो है वो अपना बर्तन जो आगे फैला रहा है उसको खाने के लिए नहीं है. आपको ऐसा नज़र, ऐसा सीन आपको नज़र आ जाएगा. आप कभी भी जाइए कहीं घूमने के लिए कोई पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का नज़ारा. और सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता है तो माल न्यूट्रिशन जो है उसके चलते फिजिकली वीक हो जाता है चाइल्ड. उसको जो है दे सफ़र फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस,
और गंदगी में रहने के चलते भी दे बिकम इल और वो सफ़र करता है, उसको रहने के लिए घर नहीं उसके पास में रहता है। और बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रहता है, घर है उसके पास में तो कच्चा घर है, यानी कि घास ऊपर में घास रहता है और मिट्टी का बना हुआ रहता है। और बहुत सारे ऐसे हैं गरीब पुअर्स जिसके पास में वो भी रहने के लिए नहीं है, वो खुले मैदान में रहते हैं, आपको रोड के किनारे में नज़र आ जाएगा, स्टेशन पर नज़र आ जाएगा, या कोई पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और इसी के चलते जो है, गरीबी के चलते आप देखेंगे कि जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो जो है आपको पैसा के कम पैसा कमाने के चक्कर में, खाने के लिए चूँकि उसको पैसा चाहिए, उसके चक्कर में वो जो है आपको देखिए वर्क करता है, वर्क भी कैसा कैसा वर्क करता है आप देख सकते हैं कि वो गंदगी से प्लास्टिक को चुन रहा है और फिर प्लास्टिक को बेचेगा, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, फिर खाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो खुद कमा करके लाते हैं और माँ बाप को देते हैं ताकि उसका जो है खाना खा सके, क्योंकि जो उसका पेरेंट्स जो कमाता है वो काफ़ी नहीं होता इनकम उसके लिए, सभी को खाने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए सब कोई मिल के जो है काम करता है। तो ऐसा नज़ारा आप जो है आप सभी देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि न्यू चीज़ है, आप सभी देखे होंगे। लेकिन आज चूँकि हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए एजुकेटेड पर्सन्स, आपको ये सभी जो है एक बार देख के इसके ऊपर एक बार आपको थोड़ा सोचना होगा। ये हो गया हाउस, हो गया घर, हो गया आपको पुअर का, ये आपको नीचे मिट्टी से बना हुआ है, ऊपर में जो है आपको फूस से है, ये कभी कभी जो आपको गिर भी जाता है जब ज़्यादा बारिश होता है तो उस, या ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये कितना बार जो गिर जाता है और इसके अंदर दबा के मर भी जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज पिक्चर्स, नाउ वी कैन क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड अबाउट द पॉवर्टी। अब यदि आपसे हम पूछेंगे कि पॉवर्टी क्या होता है, तो ये पिक्चर्स को देखने के बाद आप बोल सकते हैं कि जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं हो, या फिर घर हो फूस कच्चा मिट्टी का हो, जिसके पास खाने के लिए नहीं हो, जिसके पास रोज़गार नहीं हो, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा पॉवर्टी। तो व्हाट इज़ पॉवर्टी? नाउ टू स्कॉलर्स, शाहिन रफी खान एंड दामिया किलेन, पुट द कंडीशंस ऑफ द पुअर इन ए नटशेल। क्या बोला वो? पॉवर्टी इज हंगर, ठीक है, पॉवर्टी एक भूखा है। पॉवर्टी इज बींग सिक, बीमार होना, एंड नॉट बींग एबल टू सी ए डॉक्टर, बीमार होना और उसको इलाज कराने के लिए उसके पास में पैसा ना होना ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। पॉवर्टी इज नॉट बींग एबल टू गो टू स्कूल एंड नॉट नोइंग हाउ टू रीड। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल डू नॉट गो टू स्कूल एंड देयर फोर they become illiterate, they don't know how to read and write. Poverty is not having a job, yes, because of the unemployment, jiske paas mein employment nahi hai to uske chalte they don't earn the money, they don't get the money, they don't get the income, and therefore they don't have money to fulfill their basic needs, for example food or for living houses, etc. Poverty is fear for the future, having food once in a day. Future का पॉवर्टी के पास में भविष्य का डर रहता है, अभी खाना खा लिया तो फिर रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए उसको उसके पास में जो है हमेशा टेंशन रहता है उसके पास। और having food once in a day, कभी कभी दिन में खाता है, रात नहीं, रात में खाया दिन नहीं। Poverty is losing a child to illness, ठीक है, बच्चे को खो देना, ठीक है, बीमारी के चलते, क्योंकि सही इलाज नहीं हो पाता है तो उसके चलते जो है आपको सफ़र करता है। Brought about by unclear water, क्योंकि आपको सही क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप जाइएगा बड़ा बड़ा मेट्रो सिटीज़ में, देखिएगा कि वहाँ पे जो है जो गटर का पानी रहता है, जो नाली का पानी रहता है, उसका पानी को निकाल करके
कपड़ा साफ करता है, अब वो कपड़ा साफ कर रहा है कि कपड़ा गंदा कर रहा है, ये आप सोच सकते हैं कि नाली का पानी उसको साफ नज़र आ रहा है कि पानी साफ है, उसी को लेकर के वो जो है उसे क्लॉथ को धो रहा है, घर को धो रहा है, नहा रहा है, ऐसा आपको नज़ारा जो है नज़र आ जाए कहीं आप यदि घूमने जाइएगा तो ये सब बहुत सारे जो है रीज़न है उसका जो है बीमार पड़ने का। इसका पॉवर्टी, पावरलेसनेस, लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम, पावर कुछ नहीं रहता है उसके पास में और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसके पास फ्रीडम नहीं रहता है, वो जो है बंधा हुआ रहता है। व्हाट डू यू थिंक, अब आप क्या सोचते हैं? तो ये सभी पिक्चर्स जो है आप देखिए, व्हाट इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी को आप देखिए पिक्चर्स के व्यू से, और ये जो दो आपको स्कॉलर्स जो हैं, जो रिसर्चर हैं, जो एजुकेटेड दो पर्सन आपको यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में बताया, क्या वो सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी ये स्टेट, अब हम लोग अभी तक जो रियलिटी हम लोग देखे पॉवर्टी किसको बुलाया था, अब इसको हम लोग डिफिनेशन इसका हम लोग देखते हैं पॉवर्टी का। पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, जो मनी चाहिए, वो उसके पास में नहीं रहता है, ये हम लोग उस स्टेट को पॉवर्टी बोलते हैं। सो पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन, एक स्टेट एक कंडीशन है पॉवर्टी, उसमें क्या होता है आपको, उसमें यही होता है कि उसके पास में आपको लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, रहने के लिए, जो उसके पास में जो कम से कम जितना चाहिए पैसा उतना भी उसके पास में नहीं रहता है। पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट, उसके पास में इनकम लेवल इतना कम रहता है कि जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्दी फूड एंड मेडिकल अटेंशन, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल रहता है, जो मतलब जो पॉवर्टी से आपको ग्रस्त रहता है जो आदमी, उसके पास में आपको ना तो घर रहता है, ना ही क्लीन वाटर रहता है, ना ही हेल्दी फूड मिलता है, ना ही मेडिकल अटेंशन, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज रहता है। और हेल्दी फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको जो है फूड मिल भी जाता है, देखिएगा आप तो जो जैसे तैसे वो गंदगी फूड खाता है, कभी कभी जो जूठा जो आप खा करके फेंक देते हैं उसको उठा करके वो खाता है, ठीक है, तो ऐसा भी आप जो है ऐसा भी आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकता है कि जो जो खा लिया है जूठा फेंक दिया उसको लेकर के वो खाता है, या फिर जो पुराना है जो बासी है उसको भी खाएगा। ईच नेशन मे हैव इट्स ओन थ्रेशहोल्ड दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी ऑफ इट्स पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी का जो आपको ऐसा नहीं है, पॉवर्टी का एक लेवल होता है, ठीक है, एक होता है अब्सोल्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब उसके पास जो है आपको कुछ भी नहीं हो, खाने के लिए कुछ नहीं हो, मतलब जो सबसे लोएस्ट लेवल पे जो होता है, और उसका भी, और दूसरा आपको होता है रिलेटिव पॉवर्टी, वहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, वहाँ पर आपको पॉवर्टी जो है वहाँ पर कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी के पास में कच्चा मकान है और उसके पास को खाना भी जो है मिल रहा है, लो क्वालिटी खाना मिल रहा है वो, और एक किसी के पास घर भी नहीं है और खाना भी नहीं मिला, वो दोनों में डिफरेंस है आपको, ठीक है, तो जिसके पास जो है ना तो खाना मिल रहा है ना ही घर है, वो उसको आप उसका जो है स्टैंडर्ड बहुत ही आपको लो है, उसको जो है टोटल जो है आपको लोएस्ट पर चला जाएगा वो, ठीक है। और जिसके पास में कच्चा है लेकिन पक्का नहीं है, वहाँ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इसके पास में तो पक्का मकान नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंपेयर, उसी तरह रीजन वाइज भी कंपेयर किया जाता है आपको, कंट्री वाइज कंपेयर किया जाता है, इनकम वाइज कंपेयर किया जाता है पॉवर्टी को, तो वो सब आपको रिलेटिव पॉवर्टी में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको वन बाय वन, ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर, पुअर पीपल, जो गरीब आदमी उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखते हैं। पुअर पीपल पोसेसेस फ्यू एसेट्स, उसके पास में संपत्ति कम रहता है। सर इन कच्चा हटमेंट्स विद मड वॉल एंड ग्रास रूफ, फॉरेस्ट डू नॉट हैव इवन हाउस इन रूरल एरियाज, मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस, किसी जमीन नहीं रहता है बहुत के पास में, मेनी डू नॉट गेट टू हैव इवन टू मील्स अ डे, खाना उसको दो वक्त का नहीं मिलता है, स्टारवेशन, भूखा और हंगर,
are the key features of the poorest households. Lack basic literacy and skills, उसके पास में literacy का कमी रहता है, skill नहीं रहता है. Malnutrition is alarmingly high among the poor, और उसके चलते जिसको malnutrition के चलते जो है बीमार रहता है बच्चा. Ill health, disability or serious illness makes them physically weak. Chronic indebtedness, कर्ज के जाल में फंसा हुआ रहता है. They are exploited, और वो जो है आपको exploit किया जाता है आपको रिच पर्सन के द्वारा आपको या जिसकी यहाँ जिसके पास वो काम करते हैं उसके द्वारा. हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग फूड ऑन फायरवुड एंड कॉड, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई सुविधा नहीं रहता है और लकड़ी पे खाना बनाता है या फिर जो आपको क्या बोलते हैं कॉडंग होता है उसके ऊपर में जो है वो खाना बनाता है. Now measures of poverty. There are two measures of poverty that we are going to discuss. There are two measures of poverty. First one is relative poverty. It refers to poverty of people in relation to other people, regions or nations. ठीक है, यहाँ पे हम लोग compare करते हैं गरीबी का स्तर को एक दूसरा से. ठीक है, वो people wise हो सकता है, regions हो सकता है, nations हो सकता है, income हो सकता है. Relative poverty compares the inequality of income and asset ownership. ठीक है, the concepts of Lorentz curve and Gini coefficient are used to measure relative poverty. Relative poverty को हम लोग measure करते हैं Lorentz curve and Gini coefficient से. Lorentz curve आप याद करें क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर कैसे जो है आपको इनकम जो है दिखाया जाता है, इनकम गैप दिखाया जाता है, तो उसको जो आपको रिलेटिव पॉवर्टी को शो करने के लिए उसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज अब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. अब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, जो आपको मिनिमम नीड्स जो फुलफिल नहीं कर पाता है, यानी कि जहाँ तक कि उसको जिसको हम लोग क्रॉनिक बोलते हैं, यानी कि उसको खाना तक नहीं मिल पाता है, जो बेसिक उसको उसको भी वो भी नहीं मिल पाता है, वो उसको हम लोग अब्सोल्यूट बोलते हैं. तो इसके लिए जो है आपको पॉवर्टी लाइन एक बाउंड्री जो है सेट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, जो डिफरेंट बाउंड्री लाइन होता है उसको सेट किया जाता है, एक थ्रेशहोल्ड सेट किया जाता है, एक मिनिमम आपको लाइन खींचा जाता है और वो डिफाइन करता है कि जो उससे नीचे है उस इनकम लेवल से जो नीचे है वो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, यानी कि वो अब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग गरीब बोलते हैं वो हो गया, और उसके ऊपर जो गया वो आपको पुअर हुआ. ठीक है, लेकिन वो क्रॉनिक पुअर नहीं हुआ, अब्सोल्यूट पुअर नहीं हुआ. सो इन डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू मीट दिस मिनिमम कंजम्पशन लेवल. इन इंडिया नियरली 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज अब्सोल्यूट पुअर. ठीक है, इंडिया में नियरली 20% जो है वो आपको अब्सोल्यूट पुअर है. अब्सोल्यूट पुअर को डिफाइन कर लीजिए, इंडिया में BPL आप सुने होंगे, BPL. ठीक है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन. BPL का जो कार्ड मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और उसमें जो है आपको एक वहाँ पे एक डिफाइन किया गया है, एक आपको वहाँ पे थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिटेशन को सेट किया गया है कि उससे कम जो कंजम्पशन करता है फूड का या फिर जो उससे कम जिसका इनकम लेवल है वो आपको अब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएगा, BPL हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा, और उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. तो हम लोग क्या उसका बाउंड्री है, क्या उसका मेजरमेंट है, उसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे उसको. So this is all about today's class. Thank you.